नगर गांव में निर्मला अपने बेटे मंगलू की शादी शीला से आज से 14 वर्ष पहले करा के आई थी। मंगलू अपने पिताजी की पुश्तैनी व्यवसाय धोबी का काम करता था, लेकिन उनकी दरिद्रता जाने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन उसका बेटा कन्नू स्कूल से आकर बोला, पिताजी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी फटी हुई पैंट और शर्ट देखकर बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। टीचर भी कह रहे थे कि कल से ये ड्रेस नहीं चलेगी, ऊपर से जूते भी फट गए हैं, जब तक ये नहीं आएंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे कोई कह सकता है, स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं ना कि कपड़े दिखाने। कन्नू सच ही तो कह रहा है, 2 साल से एक ही कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है। कई बार बोला कि सिर्फ कपड़े धोने से घर नहीं चलेगा, हमें कुछ और धंधा करना चाहिए। भाई मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हमारे बाप दादा कपड़े धोने का काम करते आ रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं, और पढ़ लिख कर होगा क्या है? आखिर इसको भी तो कपड़ा ही धोना है। क्या कहा, मेरा बेटा कपड़ा धोएगा? देख लेना, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। मैं मेहनत करूंगी, मेहनत करके इसे इसके मुकाम तक पहुंचाऊंगी। अब तक बेटे बहू की तू तू मैं देख रही निर्मला भी बहस के बीच में कूद पड़ी। अच्छा तो अब तू काम करेगी, मेरे बेटे को नीचा दिखाने के लिए तू घर घर काम करने जाएगी? कान खोल कर सुन ले, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कन्नू की पढ़ाई को लेकर शीला और मंगलू में बात इतनी बढ़ जाती है कि मंगलू शीला पर हाथ तक उठा देता है। बस यही देखना रह गया था, अपने बच्चे के बारे में अगर अच्छा सोचने का यही सिला है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। चल कन्नू यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ, बड़ी आई कलेक्टर नहीं, बना लो इसे जिले का DC। दूसरे दिन शीला कन्नू को लेकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके में भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता। अरे सुमन क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? प्रणाम पंडित जी, बुढ़ापा अपने आप में ही एक बीमारी है, ऊपर से बेटी शीला ससुराल में लड़कर 15 दिनों से घर में आकर पड़ी है। कितना समझाया जाने का नाम ही नहीं लेती, बोलती है अब तो कुछ करके दिखाएगी तभी ससुराल लौटेगी। तभी शीला घर से निकलकर बाहर आती है। प्रणाम पंडित जी। अरे शीला तू यहाँ, ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? अरे पंडित चाचा, कन्नू अब हाई स्कूल में चला गया है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वो पिताजी की तरह धोबी के काम में हाथ बटाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बने। वाह तुम्हारी सोच तो बहुत ही नेक है, तो इसमें समस्या क्या है? पैसे का समस्या पैसे की है, जैसे तैसे हमारा घर चल रहा है, ऊपर से कन्नू की पढ़ाई का बोझ हम नहीं उठा सकते, इसलिए मैंने काम करने का निश्चय किया है। बहुत ही अच्छा सोचा है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे खाने का जवाब नहीं, शहर में जाकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में शेफ का काम पकड़ सकती हो। नहीं चाचा, मुझे गाँव से ही कुछ करके दिखाना है, कोई ऐसा काम जो मैं करूं और दूसरों को भी काम दे सकूं। ये तो और अच्छी बात है, तू पापड़ भी बहुत अच्छा बनाती है। भाई देखो मैं तो कहूंगा कि पापड़ उद्योग ही क्यों नहीं खोल लेती, गांव की कई महिलाएं जो बैठी रहती हैं उन्हें भी काम मिल जाएगा। अपने गांव में दलहन की खेती ज्यादा होती है, आसानी से तुम्हें कच्चा माल भी मिल जाएगा। शीला को पंडित जी का सुझाव पसंद आ गया, वो इस काम को शुरू करने लग जाती है। उधर कन्नू नानी के घर में रहकर गलत लड़कों की संगत में पड़कर बदमाश हो जाता है। एक दिन, अरे कन्नू बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम यहीं पर हो, क्या हुआ भाई, बाबूजी ने घर से भगा दिया क्या? देख बिरजू रास्ते से हट जा, सबको अपने जैसा ही समझ रखा है क्या? वो तो मेरे पढ़ने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो मम्मी बोली कि वो काम करके मुझे पढ़ाएगी।
अच्छा ये बता, तुम्हारे पिताजी कितने दिनों से काम कर रहे हैं भाई? मैंने तो बचपन से ही उन्हें नदी पर कपड़े जाकर धोते हुए देखा है। यानी करीब 15 सालों से तो कर ही रहे होंगे, है कि नहीं? अच्छा तो बता कि अभी तक तेरे पिताजी के पास कितना बैंक बैलेंस है भाई? खाने और अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, और बैंक बैलेंस की बात करके मेरा मजाक उड़ाते हो। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा यार, तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम करने से कोई अमीर नहीं हो जाता। पैसों के लिए मेरे जैसा स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, हैं? क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हाँ, लेकिन करना क्या होगा? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा झूठ बोलना और सतर्कता से प्लान पर काम करना है, फिर तो पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर पहले तुम्हें घर से ही काम स्टार्ट करना होगा। तुम्हें 200 रुपए घर से चुरा कर लाने होंगे, समझे? कन्नू घर पर जाता है। और सुमन के बटुए से 200 रुपए निकाल कर चुपचाप बिरजू के पास चलाता है। ये लो बिरजू, 200 रुपए। मैंने अपना स्मार्ट वर्क कर लिया, नानी के पर्स से निकाल लिया। वाह वाह वाह, लेकिन अगर घर में पूछेंगे कि क्या पैसे तुमने लिए हैं तो क्या कहोगे? कौन पैसा, कितना पैसा और किसका पैसा? मैं तो सुबह से घर में आया ही नहीं। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, अब तुम मेरे स्मार्ट वर्क के सेनापति बन सकते हो। चलो अब मैं तुम्हें अपना प्लान समझाता हूँ। हमें शहर का सबसे धनी सेठ जो है ना, सेठ करोड़ी मल, उसके यहाँ चोरी करनी है। क्या कहा, चोरी? अरे चोरी नहीं रे कन्नू, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना है। पर रात में मुझे माँ और नानी आने नहीं देंगी। अरे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे धंधे में थोड़ा सा झूठ बोलना और प्लान को सतर्कता से करना जरूरी है। बोल देना कि दूसरे गांव में जागरण है, है? वहीं दोस्तों के साथ जा रहा हूं। कन्नू और बिरजू दोनों आधी रात को करोड़ी मल के यहाँ चोरी करने पहुंचते हैं। बिरजू कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है, घर की लाइट जलाऊं क्या? अबे कमीने, हैं? मरवाएगा क्या? चुपचाप कीमती सामान और रुपयों को बैग में भरते जा, चल। तभी सेठ को प्यास लगती है। मंजूरी, ओ मंजूरी, अरे बहुत जोरों से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। सोने दो मुझे, जाओ किचन में जाकर पी लो। मेरी बाबू, मेरा सोना लाकर पिला देना, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। जो कोई मुझे अभी पानी लाकर देगा उसे मैं 10 लाख का सोने का झुमका दूंगा। इतना सुनते ही कन्नू किचन की ओर जाने लगता है। अबे कन्नू, अबे उधर क्यों जा रहे? अबे किचन में कोई सोना थोड़ी रखता है, उधर चलो, उस रूम में तिजोरी है। अभी सुना नहीं, सेठ जी बोल रहे हैं कि अभी जो उनको पानी पिलाएगा वो पानी पिलाने वाले को 10 लाख रुपए के सोने का झुमका देंगे। अबे मरवाएगा क्या, है? वो सेठानी से पानी लाने को मना रहा है, बस चल इधर। तभी कन्नू फर्श पर रखे गिलास से टकरा जाता है और उसकी आवाज सुनकर मंजूरी वहां आ जाती है और दोनों को देखकर चोर चोर चिल्लाने लगती है। करोड़ी मल के नौकर आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। इन नमक हरामों को पुलिस के हवाले कर दो, जब दो दो लठ इनके पिछवाड़े में पड़ेंगे तो सारी चोरी चकारी भूल जाएंगे। करोड़ी मल उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। इधर शीला के यहाँ लोन के लिए बैंक वाले निरीक्षण में आए हुए थे। उसी समय पुलिस वाला आकर शीला को बताता है कि उसका बेटा कन्नू बिरजू चोर के साथ चोरी करते पकड़ा गया। इतना सुनते ही बैंक ऑफिसर वापस चला जाता है और लोन कैंसिल हो जाता है। शीला गांव के दबंग होशियार सिंह से
सुमन के घर को गिरवी रखकर पैसे उधार लेती है। देखो शीला, एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे पैसे सूद समेत 6 महीने में नहीं मिले तो मैं घर पर कब्जा कर लूंगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं। बेटी एक बार फिर से सोच ले तो चुकता कर देगी ना पैसे। माँ तू कागज पर अंगूठा लगा दे, मैं 6 महीने से पहले ही उनके पैसे सूद समेत लौटा दूंगी। होशियार सिंह से पैसा लेकर शीला सबसे पहले अपने बेटे को जेल से रिहा करवाती है। माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं पढ़ाई करूँगा और बड़ा ऑफिसर बनूंगा। पैसों के लिए तुझे परेशान देख मुझे लगा कि एक बार चोरी से उद्योग शुरू करने के लिए पैसा हो जाएगा। हराम के पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अच्छा बनाने के लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ, ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन सके। शीला गांव की 10 महिलाओं को लेकर पापड़ उद्योग खोल देती है। लेकिन अगले ही हफ्ते बारिश का सीजन शुरू हो जाता है और धूप नहीं निकलने की वजह से पापड़ नहीं बनते। शीला, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि हालचाल पूछता चलूं। वैसे 3 दिन से धूप नहीं निकली, पापड़ तो बन नहीं रहे होंगे। हाँ चाचा, धूप नहीं निकल पाने से अभी पापड़ नहीं बन रहे। 3 महीने हो गए हैं, 1 महीने का सूद भी बाकी है। सुमन को अपने साथ लेकर ससुराल चली जाना। 3 महीने अभी बाकी है चाचा, आपके पैसे सूद समेत मिल जाएंगे। होशियार सिंह के जाने के बाद पंडित ज्ञानचंद वहां पर आते हैं। शीला, तुमने जो सैंपल भेजे थे वो दिल्ली की एक कंपनी से अप्रूव्ड होकर आ गया है। 2 महीने में हमें 2 करोड़ रुपए के पापड़ का टेंडर मिला है, 50 लाख रुपए एडवांस भी मिले हैं। पंडित चाचा, सब आपके आशीर्वाद का फल है। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा सुन रही हूँ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे बिटिया, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है, बस अब ज्यादा से ज्यादा पापड़ बनाओ। शीला अपनी टीम में 10 की जगह अब 50 महिलाओं को लगा लेती है। संयोग से धूप भी निकल आती है। शीला दिन रात एक कर देती है। महिलाओं में भी नया जोश और जुनून होने के कारण 15 दिन पहले ही टारगेट कंप्लीट हो जाता है। मालिक, सुना है शीला को 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और वो कल माल भेज भी रही है। ऐसा हो गया तो वो पैसा लौटाकर सुमन का मकान छोड़ा लेगी हुजूर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वर्षों से सुमन की जमीन पर मेरी नजर थी। बिलुआ। जी मालिक, हुकुम मालिक। आज रात जाकर उसके पापड़ गोदाम में आग लगा दो। ऐसा ही होगा मालिक। उधर पापड़ गोदाम में माँ, रात के 12 बजने वाले हैं, चलो अब सो जाओ। नींद नहीं आ रही है बेटा, इसमें हम सभी महिलाओं की लगन और मेहनत है। कल ये चली जाएगी और हम करोड़पति बन जाएंगे। हमारे साथ साथ हमारी टीम की महिलाओं का भी काफी जोश बढ़ेगा इससे। थोड़ी देर बाद जब दोनों वहीं सो जाते हैं तो बिलुआ आकर गोदाम में आग लगा देता है। भागने के क्रम में बिलुआ गिर जाता है और उसका शरीर आग पकड़ लेता है। तभी शीला जाग जाती है। कौन है वहाँ? अरे आग लग गई, आग, कोई बुझाओ इसे। टीम की अधिकतर महिलाएं वहीं सोई थीं। सभी ने जान की बाजी लगाकर आग को बुझा दिया। उधर बिलुआ को भी महिलाओं ने बचा लिया। बिलुआ, तुम्हारी बीवी को भी मैंने यहाँ काम दिया, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दीदी मुझे माफ कर दो, होशियार सिंह के कहने पर मैंने ऐसा किया। मैं उसके खिलाफ गवाही देकर प्रायश्चित करूंगा। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उस कपटी का साथ दिया। मैं होशियार सिंह के खिलाफ गवाही के लिए तैयार हूँ। बिलुआ, काम तो तुमने माफी के लायक नहीं किया, लेकिन हर एक इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। मैं आज के बाद कभी गलत काम नहीं करूंगा। बिलुआ की गवाही पर पुलिस होशियार सिंह को पकड़ कर ले जाती है। इधर पापड़ की डिलीवरी होने के बाद शीला की टीम को 10 करोड़ रुपए का पापड़ बनाने का ऑर्डर और मिलता है। जल्द ही शीला जिले की सबसे बड़ी उद्योगपति बन जाती है। आसपास के कई गांवों की महिलाएं उसकी पापड़ कंपनी में काम करने लगती हैं। उधर मंगलू को भी अपनी गलती का एहसास होता है।
और वो शीला से माफी मांग लेता है। वो भी टीम का सदस्य बनकर काम करने लगता है। बहू, बैठे बैठे मन नहीं लगता, इन महिलाओं के साथ काम करूंगी तो मन लगा रहेगा, मुझे भी अपने साथ काम पर रख ले। अरे आप तो मेरी सासू माँ है, आपको इजाजत की क्या जरूरत? भगवान ऐसी मेहनती बहू सबको दे। और इस तरह से अपनी मेहनत के बलबूते शीला ने कन्नू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया और उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई।